नोएडा सेक्टर 100 स्थित लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में टावर 30 के पास एक साल के बच्चे पर 3 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्चे को बुरी तरह नोच डाला। अस्पताल में इलाज के दौरान मंगलवार को मासूम की मौत हो गई। वहीं इस दर्दनाक घटना के बाद सोसाइटी के लोगों में रोष है। सोसाइटी के सदस्यों ने अध्यक्ष का भी बहिष्कार किया है। मामले की जानकारी देते हुए AOA उपाध्यक्ष धर्मवीर यादव ने बताया कि सोसाइटी में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। सेक्टर 110 निवासी मजदूर राजेश कुमार पति सपना और बच्चों के साथ सोमवार को कंस्ट्रक्शन साइट पर थे। इस दौरान सपना काम करते हुए बेटे से कुछ दूर चली गई, तभी 3 लावारिस कुत्तों ने अचानक मासूम पर हमला कर दिया। पास में ही खेल रहे उसके भाई ने शोर मचाया तो माँ और आसपास के लोगों ने बच्चे को कुत्तों से छुड़ाया। अस्पताल के डॉक्टर अजीत सिंह का कहना है कि बच्चे की हालत नाजुक है। कुत्तों ने बच्चे के पेट में 25 जगह काट लिया था। बता दें कि सोसाइटी के लोगों का कहना है कि सोसाइटी में दिवाली मेला नहीं मनाया जाएगा। इसके साथ ही उनका कहना है कि अभी तक नोएडा प्राधिकरण का कोई भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ नहीं पहुँचा है। यहाँ पर घूम रहे आवारा कुत्तों पर एक्शन कब होगा? बहुत अनफॉर्चुनेट है कि प्राधिकरण का कोई अधिकारी नहीं आया। पुलिस वाले भी आए हैं तो वो मूक दर्शक हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब भी बिल्कुल मूक दर्शक रहे। वो आए हैं, उनकी बात कुछ हमारे लोग जो है उन्होंने भी सुनी नहीं और वो बिना कुछ कहे चले गए। नोएडा प्राधिकरण की सीओ की तरफ से कोई रिप्लाई? कोई रिप्लाई अभी तक मेरी नॉलेज के हिसाब से नहीं है। कोई अधिकारी भी नहीं आया? कोई अधिकारी नहीं आया। कोई हमारे को सर्व करने के लिए आए और वो हमारे वजह से उसकी डेथ हो जाए। हमारी अभी है फील्ड एज रेजिडेंट। कोई जाई वही कोई मिलने आया नोएडा अटैक रेगुलर हो रहे हैं। मेरे को 26 जनवरी का मतलब मेरे पास मेल भी है, अभी मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूँ। नो एक्शन वॉज टेकन, कभी वो रिप्लाई नहीं देते। यूजलेस थिक स्किन डक एटीट्यूड पे है। बत्तख के ऊपर पानी डाल दो ना, ऐसे हिलती है तो पानी निकल जाता है। बिल्कुल ये वही है ये लोग।